जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार प्रबल मंथन में। जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास में आ जाइए और बेहतर तरीके से आप सभी के सभी लोग क्लास में बने रहिएगा और एक एक करके सभी साथी बेहतर तरीके से आप लोग अपनी बातों को रखिएगा, देखिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी क्लास आपके लिए होने वाली है और इस क्लास के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीजों को समझना है, सुनना है, ताकि सारी की सारी चीजें इस क्लास में ही आपको याद हो जाए और मैं आप लोगों तक अपनी बात को रख पाऊं, ठीक है जी। और आप सभी लोग अब लग जाइए, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है, आप सभी के सभी साथी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ आज की शुरुआत करेंगे और आज आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि लगेगा कि हाँ भाई ये पढ़ना हमारे लिए काफी क्या है, तो जरूरी है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपके स्क्रीन पे बोला है कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज आपके किसने की थी। अर्थशास्त्र के बारे में तो अक्सर आप सभी के सभी साथी जानते होंगे, क्या जानते हैं कि इसकी रचना जो है आपके किसके द्वारा की गई है भाई। तो आप लोग चाणक्य के बारे में बात करें, विष्णुगुप्त के बारे में बात करें या कौटिल्य की चर्चा आप लोग अक्सर करते होंगे, करते हैं ना। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो है ये शासन काल के सिद्धांतों पर आधारित है, इसको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं तो 15 अधिकरण के बारे में बात करते हैं देखने को मिलता है और अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 180 प्रकरण के बारे में बात करते हैं और 6000 से अधिक आपके श्लोक देखने को इसमें मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज जो है ये किसने की थी। क्या सर विलियम जोन्स ने किया था, क्या राम गोपाल भंडारकर ने किया था, क्या आपके पास श्याम शास्त्री ने किया था, क्या जेम्स मिल ने किया था। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि 1909 के बारे में बात करें, यानी कि 1909 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है भाई साहब, श्याम शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं और इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र के हस्तलिखित प्रति आपको देखने को मिलती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में बात करें तो इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी आपको बात देखने को मिलेगा और इसमें 34 प्रकार के अध्यक्षों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे मैंने आपको पोतवाध्यक्ष के बारे में बताया था, जैसे मैंने आपको अकराध्यक्ष के बारे में बताया था, ऐसे नाना प्रकार के आपके अलग अलग विभागों के आपके प्रधान या प्रमुख के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं, लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 के बारे में बात करते हैं, इसमें किसके द्वारा आपके किया गया, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली असहयोग आंदोलन के आसपास की घटना है। और इस समय जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं जिसको टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, या कहें आयरन के बारे में बात करते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना जो 1907 में देखने को मिलती है वो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं आपके जमशेदपुर या आपके अगर कहें टाटा नगर के नाम से भी उसको आप पुकार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एसएन हल्दर के नेतृत्व में इसकी आपकी स्थापना की गई। जैसे आप लोगों से पता है कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी आप बात करते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में 1934 के बारे में बात करते हैं, जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें 1925 में बात करते हैं, फिर 1964 की बात करें तो इसमें ये दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों की राहें अलग हो जाती है और यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हो जाती है भाई साहब, यहाँ पे उत्पत्ति देखने को मिलती है। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं ये आपके सोवियत संघ के बारे में बात करें उसके विचारों से प्रभावित दिखता है, जो उसके विचार से प्रभावित नहीं है वो CPIM के बारे में बात करें, यानी कि CPI मार्क्सवादी के ग्रुप में शामिल होते हैं और एक अलग पार्टी बना लेते हैं। और आप सभी लोगों को ये भी पता होगा
कि इसी आपके 1929 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 1929 में बिहार में किसान सभा के भी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, और इसी बीच 1930 के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत आपके हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या मिलेगा? एस एन हल्दर। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लेबर एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, ये बनाने का मकसद क्या था कि जो भी मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके क्या मिले भाई साहब, मेहनताना उनको सही तरीके से प्राप्त हो या मिले, इसके बारे में बात की जा रही थी। और इसमें आपकी अगर बात करते हैं तो बिहार के तरफ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, अब्दुल बारी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चले भाई, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। अब देखिएगा, आप लोगों से मैं पूछूं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आएगा, अगर आप बता पाए तो अच्छा है, नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तानी सेवा दल की जो शुरुआत है वो किसने आपके इस दल की शुरुआत की थी, क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या एस एन आपके हार्डिकर के द्वारा किया गया था, क्या एन एस हार्डिकर नाम है, सुभाष चंद्र बोस और एन जी रंगा। देखिए, जब भी आप एन जी रंगा के बारे में बात करते हैं तो आप सभी साथियों को पता है कि इनका संबंध आपके किससे है, किससे है भाई साहब, तो बोलेंगे देखिए सर जी, इनका संबंध जो है किसानों के आपके हित में ये आपकी आवाज उठाते थे। और जब संविधान सभा में चर्चा चल रहा था कि भाई साहब कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बात की जाए, तो उसमें इनका कहना था कि देखिए, कमजोर वर्ग के जाति के आधार पर विभाजन करना सही नहीं होगा, इनकी स्थितियों के आधार पर भी इनका विभाजन होना चाहिए। हालांकि मतलब इसका यही निकाला जा सकता है कि जो सच में कमजोर है, जिनके पास सच में पैसे का अभाव है, जिनके पास सच में खाने पीने का अभाव है, उनको भी उनका हक दिलाया जाए और उनके लिए भी संविधान में कुछ बातें निहित की जाए, इसको लेकर यह आवाज उठाते थे। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करते हैं तो एन एस हार्डिकर के बारे में बात करते हैं, इनके द्वारा आपके हिंदुस्तानी सेवा दल की बात करें, 1920 के दशक में बोल रहा है, तो सही में इसका डेट अगर मैं बताऊं तो 1924 के बारे में बात करते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। और इसको अगर कहा जाए ना हिंदुस्तानी सेवा दल को, तो इसको हम लोग INC के बारे में बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके जमीनी संगठन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। किसके तौर पे भाई साहब? जमीनी संगठन के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये आपके किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा एन एस हार्डिकर के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, जब कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से इस पार्टी ने सिंपैथी तो ले ही लिया था कि भारत को आजादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है या इनके सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। जब पहली बार आपके आम चुनाव हुआ अप्रोक्सीमेटली 1951 की बात करें, 1952 के बारे में बात करते हैं, हालांकि अक्टूबर 1951 से शुरुआत हुआ, फरवरी 1952 तक इसका क्या हुआ, खात्मा हुआ प्रथम आम चुनाव का। तो जनरली यही बोला जाता है कि पहली आम चुनाव की बात करें तो मूल रूप से 1952 में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको पता है कि टोटल 489 सीटों पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को, जहां तक हमको याद आ रहा है, कि 361 सीटें जो है वो आपके कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। इसमें आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो था दूसरे नंबर पे था, और उसको 16 सीटें प्राप्त हुए थे। ऐसा नहीं है, विपक्ष में बहुत सारे एक उस समय इंडिपेंडेंट पार्टी करके आता था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो आपके दल बना हिंदुस्तानी सेवा दल, वो आपके एन एस हार्डिकर से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चले आगे। अब देखिए भाई साहब, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी के सभी साथी बहुत प्यारे तरीके से जानते होंगे कि बाबा ठाकुर दास के बारे में अगर बात किया जाए, ने पटना में किस सोसाइटी की आपके स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा अपने आप से रिलेट कीजिए। जब स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं आप, तो आपको पता है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन के एस्टेब्लिशमेंट की 1897 की बात करें, बेलूर मठ के बारे में बात करते हैं, धर्म संसद के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए शिकागो भी गए थे, और आप सब लोग बहुत प्रकार की बातों को सुनते हैं, महाराज खेतरी के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इनको क्या दिया भाई साहब, विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, इसकी उपाधि ऐसे कहा जाता है कि इनके द्वारा दिया गया था। और आप सभी लोगों को पता है कि इनके गुरु जो थे वो कौन थे, रामकृष्ण परम हंस के बारे में बात करते हैं, और शारदा मणि जी जो थी वो रामकृष्ण परम हंस की क्या थे,
आपके जो बात करें पत्नी के बारे में या अर्धांगिनी के बारे में बात कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बाबा ठाकुर दास के बारे में बात करें तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की आपके क्या के थे, एस्टेब्लिशमेंट के थे। और ये कब की बात है तो बहुत सारे साथी बताते हैं 1906-1907 भी बता देते हैं बहुत लोग, कुछ लोग 1907-1908, तो इसी के इर्द गिर्द ये मामला घूमते चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे डेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो याद रखिएगा। तो बाबा ठाकुर दास की बात करें तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के बारे में बात किया जाए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया। अब महिलाओं के लिए बिहार में जो है स्कूल या कॉलेज खोलने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आप सभी लोग जानते हैं अघोर कामिनी देवी का नाम आता है, आता है ना जी। तो कहने का मतलब क्या है आप सभी लोग ये जानिए, सोशल सर्विस लीग के बारे में जब भी बात करते हैं तो आप लोग किसके बारे में बात करते हैं, नारायण मल्हार जोशी के बारे में बात करते हैं। और सोशल सर्विस लीग के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1911 की बात करें या 1911 की बात करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इसके किससे संबंधित है भाई साहब, 1905। और ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करते हैं, ऐसे आप लोग बता सकते हैं, जीके जी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि सच में आप सभी के सभी साथी बहुत बेहतर तरीके से चीजों को जानते हो। बताइए तो किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। सांप्रदायिक मतभेद के बारे में अगर बात करते, नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ही बाप के क्या है भाई साहब, चार बेटे हैं, क्या है, एक ही बाप के चार बेटे हैं, समझिएगा मेरी बातों को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, बिट्टू की बात करें, यहाँ पे राजा, यहाँ पे आपके रोहित और यहाँ पे आपके प्रत्युष सर के बारे में बात करते, ये आपके हो गए। अब कहने का मतलब क्या कि चारों लोगों के बारे में बात करें, अब इन लोगों में क्या है, समाज के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भावना को भरेंगे ताकि इन लोगों में क्या हो जाए, फूट हो जाए। लेकिन अगर इन चारों में यूनिटी है तो कोई इनको नहीं तोड़ सकता है, ये जो तोड़ने जाएगा उसी को ये लोग मार के इसका दांत मुंह सब तोड़ तार देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि गांधी जी का हमेशा से ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब आपस में है भाई भाई, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी कि आपसी भाईचारा को बनाए रखिएगा। जो अल्पसंख्यक है उनका हम लोगों को क्या करना है, सम्मान करना है, उनको हम लोगों को समाज में क्या देना है, सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन लोगों को अंदर से ये ना लगे कि हम क्या है, कमजोर है, हम संख्या बल में कम है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी त्रासदी को झेला है, जब विभाजन हो रहा था दोनों तरफ से मार काट चल रहे थे, कुछ जो आपके अधिकाधिक धर्म के लोग थे वो जो कम धर्म कम संख्या में जो धर्म के लोग थे उनपे आपके क्या करते थे, बहुत मतलब नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर देते थे, लूटपाट कर लेते थे, महिलाओं के साथ रेप की घटना हो जाती थी, बहुत दर्दनाक और बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना उस समय की रही थी। जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है, तो समझिए कि उस समय का वास्तविक दृश्य क्या रहा होगा भाई साहब, है कल्पना मात्र से ही आपके सीने में आग सी लग जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, आप लोग बताइए। तो बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम क्या जानते हैं कि सर जी चंपारण में सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं, बापू के कदमों में के बारे में बात करते हैं, देश नामक समाचार पत्र के संपादन की बात करते हैं, बिहारी लॉ के बारे में बात करें, इन सब का ओरिजिन जो है वो किससे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अब अगर बात किया जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें जवाहरलाल नेहरू है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बात करें तो मित्र मेला से लेके 1904 की बात करते हैं, अभिनव भारत तक के बारे में बात करते हैं, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन पर अगर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इन पर क्या चला था, मुकदमा चला था। और वो व्यक्ति कौन है भाई साहब, तो बीडी सावरकर के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि ये आपके जो थे मुस्लिम लीग के द्वारा लाए गए द्विराष्ट्र के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, उसके क्या थे, घोर विरोधी थे। और इनके साथ ही साथ खुदाई खिदमतगार के नाम से मशहूर जो थे उनका नाम क्या था आप लोग बताइएगा, और उन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती सेना का भी क्या किया था, गठन किया था, जिनको खान अब्दुल गफार खा के नाम से
जाना जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं होंगे, विनय दामोदर सावरकर भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके किसके बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, किसकी स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मदरलैंड को किसने आपके प्रकाशित किया। मदरलैंड के प्रकाशन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो मदरलैंड को किसने आपके प्रकाशित किया, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या मजहरुल हक, क्या मोहम्मद शफी, क्या ब्रजकिशोर प्रसाद। देखिए अगर बात किया जाए तो इसमें तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सभी के सभी साथी बहुत बखूबी जानते होंगे, है कि नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल सर। तो बताइए मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। तो बोलेंगे देखो सर मदरलैंड के बारे में जब भी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कौन आ जाते हैं, मौलाना मजहरुल हक आते हैं। और मौलाना मजहरुल हक के बारे में बात करते हैं तो आपको भी पता है किसके बारे में बात करते हैं, तो ये होम रूल लीग से बिहार में संबंधित है और प्रमुख नेता के तौर पे भी आपके देखे जाते हैं, आप सभी के सभी साथी जानते हैं। तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, मौलाना मजहरुल हक। और इन्होंने क्या की भाई साहब, सदाकत आश्रम की स्थापना की, कब की बात करें 1921। और इनका कौन सा दोस्त था, खैरू मियां। खैरू मियां ने इनको क्या दी भाई साहब, भूमि उपलब्ध कराया और खैरू मियां के जमीन पर ही मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम स्थापित की। और उसी के आपके कैंपस में अगर देखा जाए तो बिहार विद्यापीठ के बारे में बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और प्लस में आपके क्या बिहार में नेशनल कॉलेज के बारे में बात करें, इसकी नींव रखी गई। और इसके उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी आए थे, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना कि मदरलैंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, मजहरुल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन अगर आप देख लो, अगर इस प्रश्न का उत्तर दे दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, ना दे पाओ तब भी कोई दुख की बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता पाते हो। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे। अब देखिए सूती कपड़े के बारे में बात करते हैं ना तो 19वीं शताब्दी से संबंधित इसको जोड़ सकते हैं, या इसके उत्थान, इसके विकास, इसके जरूरत की बात आपको देखने को मिल जाएगी, है ना जी। तो कहने का मतलब है कि भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक कौन थे, क्या कावस जी नानाजी दाभार की बात करें, क्या रणछोड़ लाल मेहता की बात करें, क्या नानजी कालिदास मेहता की बात करें, क्या जमशेद जी आपके टाटा के बारे में बात करते हैं। तो बोलेंगे देखो सर सिंपल सी बात है, पहली सूती मिल के बारे में बात करें, यह है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यानी कहने का मतलब बंबई से रिलेशन जोड़ दो, मुंबई से जोड़ दो। अब कहने का मतलब यह है कि ये आपके सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे, तो कावस जी नानाजी दाभार के बारे में बात करते हैं। नाम क्या इनका, कावस जी नानाजी दाभार के बारे में बात करते हैं। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन्हीं के द्वारा, अब पहली जूट मिल के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कोलकाता, और कौन से रिसरा के बारे में बात करते हैं इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है जी। आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजों का पसंदीदा जगह बंगाल भी हुआ करता था, है ना। तो ये सारी की सारी बातें तो आप लोग जानते हैं, आप सभी के सभी साथी इसको मानते भी हैं। अब देखिए भाई साहब ये प्रश्न फिर से आपको आ गया बुलाने के लिए, क्या बोला है कि शारदा मणि जी कौन थे। मैंने आपको अभी बताया कि शारदा मणि मैडम जी के बारे में बात किया जाए तो ये कौन थे भाई साहब, क्या ये आपके राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, क्या ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, क्या ये आपके विवेकानंद की माँ थी, क्या ये आपके केशव चंद्र सेन की पुत्री थी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करें तो ना ए होगा, ना सी होगा, ना ही आपके पास डी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा, तो ये आपके जो थे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करें, इनके पत्नी के तौर पे आप इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए भाई आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आएगा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है, सही मायने में अगर बात किया जाए तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम आपके क्या होती है, प्राप्त होती है। तो आप सभी को पता है यूरोपियों के आगमन के बारे में बात करते हैं तो 1498 में आपके आए थे, और इसमें आपको पता है कि वास्को डिगामा आया था कहां पे, तो कालीकट बंदरगाह के बारे में बात करते हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। जमोरिन के बारे में बात करते हैं, फिर आपके आया, फिर आपके गया, फिर आया, ठीक है जी। और उसको बहुत सारा फायदा भी हुआ, और फायदा हुआ तो धीरे धीरे सबका लाइन लग गया,
फिर पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी भी आ गए। अब कहने का मतलब यह है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर बिहार होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी बंगाल के बारे में बात करें तो जूट मिल के लिए आपके फेमस है, और आप सभी लोगों को पता है कि जूट बोर्ड के बारे में बात करें जो आपके नेशनल लेवल पे है, उसका ऑफिस भी आपको कहाँ पे, आपके जो है कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गुजरात के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि गुजरात का खजूर जो कि काफी चर्चा में रहा, जिसको जीआई टैग भी आपको प्राप्त हुआ, ये बात आप लोग समझते होंगे। आगे की तरफ आप लोगों को लिए चलूंगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को जरा देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा जाएगा कि 7 दिसंबर 1942 के बारे में बात किया जाए तो श्री योगेंद्र शुक्ल आपके कहाँ लगाए गए थे। मेरे प्यारे साथियों में से किसी साथी ने पूछा था, क्या पूछा था कि सर जी 12 अप्रैल को हम लोग क्या कोई खास दिवस मनाते हैं क्या। मैंने बोला देखो भाई 12 अप्रैल को क्या हुआ था, ये आपके ये ऐसी घटना, और ये पता है कब की घटना है, 1946 के बारे में बात करिए, तब की घटना है। और आप सभी को पता है कि इसी समय क्या हुआ था, इसी समय जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात किया था, इनको जेल से छोड़ा गया था, और इन्हीं को जेल से छोड़ने के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया गया, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जयप्रकाश दिवस के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी साथी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। और आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर के बारे में बात करते हैं, जब संविधान सभा के पहले बैठक हुई, तो बिहार के ही लाल जिनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके बारे में बात करते हैं कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके बारे में। 11 दिसंबर को बिहार के लाल क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष इनको आपके बनाया गया। आप सभी लोगों को ये पता है किसके बारे में बात करते हैं। फिर 13 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। फिर 46 से 49 में जाइएगा तो संविधान को क्या किया गया, इसका अंगीकार की बात, सॉरी 49 में अगर देखा जाए तो इसका अंगीकार देखने को मिलता है। फिर आपके कब की बात है भाई साहब, तो 26 नवंबर के बारे में बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर आपके 24 जनवरी के बारे में बात करते हैं, 1950 के बारे में बात करते हैं, इस पे हस्ताक्षर उस्ताक्षर का सिस्टम होता है। और 26 जनवरी के बारे में बात करते हैं, 1950 को पूर्णतः रूप से भारत में संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। और जब भी संविधान के बारे में आप लोगों को पता है, ये सबसे पहले संविधान लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं, और अमेरिका भी बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप को आजाद किया था, आप सभी लोग के सभी साथी बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है जी। सप्तवर्षीय संघर्ष के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए, योगेंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करें तो पटना से इनका संबंध देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसके बारे में, पटना के बारे में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा, तो ये तो आपने बता ही दिया ना कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु आपके प्रसिद्ध था, तो अफीम उत्पादन के लिए अगर देखा जाए तो बिहार के बारे में बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुर्म को लेकर बिहार में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है एक विद्रोह हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, लोटा विद्रोह। आप लोगों को याद है, बचपन की कुछ चीजें आप लोग याद रखें, क्या याद रखें बताइए। तो ये आपको पता है 1856 के बारे में बात करते हैं, और इसी 1855-56 में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है किसके बारे में बात करते हैं, राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित संथाल विद्रोह के बारे में आप सभी के सभी साथी जानते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि सिद्धू और कान्हू प्रमुख तौर पे दो व्यक्ति थे जिन्होंने भाई साहब तहलका मचाया था। तो देखिए लोटा विद्रोह में क्या हुआ, पहले का ट्रेडिशन क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा पीतल के बर्तन में क्या दिया जाता था, पानी दिया जाता था पीतल के लोटा में, लेकिन अंग्रेज बोले क्या है बाबा, ये सबको ज्यादा सुविधा देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रणाली को चेंज करने का प्रयास किया, और इस प्रणाली को चेंज करने का प्रयास इस तरीके से आक्रोशित रूप में कैदियों के बीच में देखने को मिला कि कैदियों ने इसको लेकर विद्रोह कर दिया। क्यों, क्योंकि अब पीतल के बर्तन के जगह पर मिट्टी का बर्तन दिए जाने लगा, यानी कि यहाँ पे भारतीयों को या कैदियों को अछूत समझा जाने लगा। इसका इन्होंने क्या किया था, मुजफ्फरपुर ये इसका ओरिजिन था लोटा विद्रोह का, यहाँ पे इस इन सब आपके कैदियों के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह हुआ था, इस बात को जानते हैं। बिहार के बारे में जैसे ही आप लोगों को पता है तो 1770 से लेकर 1780
80 के बारे में बात करते हैं, इस समय को याद कीजिए। यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग नूनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से वैसा? तो नूनिया विद्रोह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन लोगों के बारे में बात करते हैं, इन लोग अपने तरीके से अपना जीवन यापन के लिए जिस तरीके से जिस सिस्टम का यूज करते थे, जिस संसाधन का प्रयोग करते थे, उस पर भी अंग्रेज अब क्या करने लगे, अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जो कि काफी गलत बात है, इस बात को याद रखिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि बिहारियों को तंग करते हुए अंग्रेजों के बारे में बात करें, अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि नंगी हड़ताल हो गई, फिर अगर देखा जाए तो बकास्त सत्याग्रह भी हो गया, फिर अगर आप लोगों से बात किया जाए किसके बारे में बात करें तो चौकीदारी कर को देने से बिहारियों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, बोले कि एक बिहारी सौ बिहारी है। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को पता है कि बिहारियों ने अंग्रेजों को मार मार के थापर 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 सोच करने का प्रण लिया था। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्या जी आप लोग होली ठीक ठाक से नहीं खेल रहे हैं क्या? अभी भी आप लोगों में जोश नहीं दिख रहा है, कैसे काम चलेगा? ऐसे पढ़िएगा तो सिलेक्शन से तो बहुत दूर रह जाइएगा। आप सभी के सभी लोग जोश में आ जाओ, क्योंकि देखो भाई बेहतरीन तरीके से आपको एक से एक प्रश्न अभी दिखाने वाला हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस सेशन में कराऊंगा, प्योर बीपीएससी लेवल के सारे प्रश्न मिलेंगे और तीनों पोर्शन को इसमें कवर किया जाएगा, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत जल्द लेके आऊंगा मैं। फिर उसके बाद आपके जो आर्ट एंड कल्चर है उसके भी आपके बहुत जल्द क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सारी चीजों को मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, और जहां तक बात है थ्योरी की, तो थ्योरी इसमें मैं सब कहानी सुनाते चलूंगा, आपको इसी से बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, कितना थ्योरी पढ़ेंगे आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। तो भाई साहब बोला कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से क्या कब त्याग पत्र दे दिया। अब बात करते हैं बलदेव सहाय जी की। तो बलदेव सहाय जी का संबंध किससे, क्या 1942, 1913, 1911, 1943? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, याद कीजिए जरा मेरी बातों को। 1943 के बारे में जब बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे बातों को समझिए। 1943 के बारे में बात करें और वो भी अक्टूबर के बारे में बात करें, और अगर मैं सही हूं तो 21 अक्टूबर की बात करें, और 21 अक्टूबर 1943 के दिन ही अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है आजाद हिंद सरकार का क्या हो जाता है, गठन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आजाद हिंद सरकार के बारे में बात करें, और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। 1911 के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चल गया नारायण मल्हार जो थे सोशल सर्विस लीग के बारे में बात करें, ये भी मानना चाहिए। 1913 के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है गद्दर पार्टी के बारे में बात करते हैं, इसको याद रखिएगा, और ये लाला हरदया। 1942 के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आजाद हिंद फौज के बारे में भी बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि 1942 में अगर देखा जाए तो 9 अगस्त 1942 के बारे में बात करते हैं, दिन आपकी शुरुआत हो जाती है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ 9 नवंबर के बारे में बात करते हैं 1942, ये भी दिन याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं 7 दिसंबर के बारे में बात करें 1942, फिर अगर बात करते हैं 12 अप्रैल 1946, ये सारे के सारे डेट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? इस दिन क्या हुआ था तो आपको पता है 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण को जेल से छोड़ा गया, और जब जेल से छोड़ा गया तो इनके लिए जयप्रकाश दिवस। 7 दिसंबर को अगर बात करें योगेंद्र शुक्ल जी को जेल से कहां से कहां लाया गया भाई साहब, तो इनको लाया गया था भाई साहब पटना। 9 नवंबर की बात करें तो आपके जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, और ये दिन किसका था तो दिवाली के बारे में बात करिए, दीपावली, या हम जैसे कमजोर इंग्लिश मैन वाले लोग इसको दिवाली लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को पता है 9 नवंबर 1942 के बारे में बात करें, 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ, 7 और 8 अगस्त को इसके प्रस्ताव को पारित हो रही थी या इस पे बात की गई। तो पूछा गया कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दे दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1942 इज द राइट आंसर। किसके बारे में बात करते हैं? 19। अभी भी अगर आप सुस्त पढ़ रहे हो ना तो इसका मतलब समझो कि भाई तुम जाने वाले हो कहाँ पे, जाने वाले हो कहाँ पे, गड्ढा में। इस बात को ध्यान देना, बाकी बुरा लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी को फोड़ना है, हाँ अगर किसी को फोड़ना है तो फोड़ना कितना आसान है। देखिएगा क्या स्टेटमेंट है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव रहेगा, बचाव होगा। यह किसने कहा? आप सभी लोगों को पता है कि अक्सर अंग्रेजों का यह था कि भाई साहब सांप्रदायिक रूप से क्या किया जाए, भारत को
आपके कमजोर करके सांप्रदायिकता के आधार पर एक दूसरे से लड़ाया जाए, मारकाट कराया जाए। लेकिन भाई साहब गांधी जी ने बोला ना, अगर हम लोगों को एक रहना है, अगर हम लोगों को जल्दी इस अंग्रेजों के चंगुल से छूटना है, बचना है, तो हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आना होगा, हम सभी लोगों को समान एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, तो इसको लेकर आपकी बातें चली। लेकिन अंग्रेज हर आपके स्थिति में एक दूसरे को फोड़ने के लिए है, निम्न जातियों के बारे में बात कर, एससी एसटी को फोड़ने के लिए अलग तरीके से चाल चलते थे, मुसलमानों को फोड़ने के लिए अलग तरीके से चाल चलते थे, आपस में लड़ाने के अलग तरीके से चाल चलते थे, प्रलोभन दे दे के आप एक दूसरे को बर्बाद करने की खूब कोशिश करते थे। तो बोले कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम आपके बचाव होगा। यह किसने कहा था अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बोलेंगे देखो सर ये आपके कोई नेता, ये हंटर था। आप सभी लोगों को हंटर कमीशन के बारे में तो पता होगा ना, कितना भाई साहब खतरनाक तरीके से मामला आगे बढ़ा था, तो ये आप लोग बातों को जानते हैं। चलिएगा अब बताइए तो जरा सा इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं वीवीआई बोल दूं तो कोई दिक्कत की बात ना होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को वीवीआई बोल देता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इतिहास जो है ये अतीत और वर्तमान के बीच अनंत क्या है वार्ता है। क्या गजब का स्टेटमेंट, आप इतिहास तो पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आना चाहिए वो कहाँ आ रहा है। देखो कहाँ पे पूछा गया, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जुडिशियरी का जो एग्जाम होता है जिससे आप जज उज बनते हैं, क्या पता आगे चल के आप लोग LLB करें, LLM करें और आगे चल के भाई साहब जज उज बन जाए, हैं जस्टिस बन जाए, आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाए। हा? तो कहने का मतलब क्या है कि इतिहास जो अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। ये किसने कहा, क्या E.H. कार ने कहा, क्या कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या चार्ल्स फर्थ ने कहा, क्या B.A. स्मिथ ने कहा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करते हैं, है? देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दो। तो कहने का मतलब E.H. कार के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये E.H. कार के बारे में बात करें, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी ना मतलब इंसान को इंसान पे ही हंसी आती, आनी चाहिए क्या ऐसा, आप लोग बताइए तो हंसी क्यों होती है, पता है क्या। मैं कहीं कुछ देख रहा था कल, तो मतलब सॉरी देख नहीं, कहीं जा रहा था कल, अंकल जी के यहाँ हम लोग जा रहे थे, होली होली था तो आप लोग भी खेले होंगे, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा खेली थे, तो उसमें गाना बज रहा था कि पागल तुझे मैं कर दूंगा कर दूंगी एक दिन प्यार में एक दिन प्यार में। इसका मतलब मैं समझ ही नहीं पाया, आप लोग क्या समझते हैं तो थोड़ा सा बताइएगा, तू इसका आशय क्या है, इसका अर्थ मैं क्या समझूं कि भाई वो कहना क्या चाह रही है कि पागल तुझे मैं कर दूंगी एक दिन प्यार में एक दिन प्यार में। तो मैं तो आप लोगों से ये सलाह दूंगा, कर दूंगी चाहे कर दूंगा, अगर दोनों वाली स्थिति बने तो भाई आप सीधे नमस्ते करके साइड हो जाइएगा, क्योंकि पागल तो आपको बनना नहीं, आपको तो सजग इंसान बनना है ना, आपको तो बेहतर तरीके से पढ़ना है ना, आपको तो सिलेक्शन लेना है ना, तो पागल ओगल नहीं बनना है, पागल ओगल बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ऐसे प्रश्न को देखना है कि इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। तो दिस इज हाँ भैया मैंने नहीं खेली होली, काहे नहीं, होली तो खेलना चाहिए, काहे नहीं खेली भाई साहब, चलो तुम बाद में खेल लेना, तो बीत गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब आप लोगों के सामने क्या है, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, अगर आप बता पाए तो सही बात है, नहीं बताए तो भाई कोई नहीं मैं बता दूंगा, जल्दी से थोड़ा सा देखिएगा। हाँ आपने गाना ये सुना ही नहीं, कोई नहीं सुनिएगा सच कर भी, अब पता नहीं इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लेते हैं कहीं आप लोगों को पता होगा। भाई जब तुमको इतना ही प्यारा तो तुम पागल काहे करोगे किसी को, है गाना दूसरा गा देते भाई साहब कि सजना तेरे प्यार में मैं तो दीवानी हो गई है, ऐसा कुछ गाती तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगता, वो बेचारा समझेगा गांव देहात का हम लोग जैसा बच्चा होगा जिसको ना इधर उधर करने आता है ना ये सब, है सीधे मामला ऑन द स्पॉट, समझ रहे हो, तो बेचारा क्या ही करता, उतना लोट सह पाता नहीं सह पाता है। और आजकल तो आपको पता है ये आपके आजकल के बारे में बात करें, अलग अलग का ट्रेंड चल गया है। ये देखिए भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एक लड़की है, सपोज कीजिए मतलब ये थोड़ा सा नॉइजी सेंस में इसको आप ले सकते हैं, ये बेचारी एक है, ये अपने पहले क्या था, पहले के जमाने में क्या था, प्राचीन समय के बारे में बात करें, प्राचीन मतलब पुराना के सेंस में देखा जाए तो पहले पापा जिसको जिनको आज हम लोग बोलते हैं, तो पापा को पहले क्या बोला जाता था, बाबूजी, ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न हुए तो बाबूजी के बाद यहाँ पे पापा कहने लगे, ठीक है। अब पापा के बाद जैसे ही भाई साहब थोड़ा सा फेसबुक चलने लगा तो पापा की जगह पर पप्पा हो गया, क्या हो गया, पप्पा,
और पप्पा के बाद अगर बात किया जाए, जब से इंस्टाग्राम आया या टिकटॉक आया, तो पप्पा से यहाँ पे क्या बन गया भाई साहब, डैड। किसके बारे में बात करते हैं, डैड। और डैड के बाद अब जब भाई साहब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, क्या क्या, दिस डैट, जो भी आ गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जरा मेरी बातों को सुनिएगा। हाँ, तो मेरी बातों को सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डैड जो है अब डैडू बन गए हैं। क्या बन गया है भाई साहब, डैडू। अब मुझे ये समझ ही में नहीं आता है, पहले ये रही थी माई, माई के बाद हो गई मम्मी, मम्मी के बाद हो गई माँ, माँ के बाद हो गई मम्मा, क्या हो गई भाई साहब, मम्मा। अब मम्मा के बाद क्या हो गई, मम्मू है भाई साहब। मम्मा और मामा में अंतर ही नहीं पसंद में समझ में आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा नेचुरल रहिएगा, ज्यादा दिखाने के चक्कर में इंसान ना कभी गलत कर जाता है। तो जैसे है आप, अगर आपको जैसे है वैसे कोई एक्सेप्ट कर ले तो भाई उससे बेहतर क्या ही चीज है। मैं जैसे हूँ वैसे, आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, ज्यादा दिखाइएगा भाई साहब नहीं होता है। देखिए एक हुआ क्या था, मैं आप लोग कहानी सुनाया, मैं सुनाया था ना आप लोग को कहानी, ये था, थोड़ा सुनिएगा, बहुत बेहतर कहानी है। और इसको अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मामला क्या था जरा सा इसको सुनिएगा बेहतर तरीके से। मामला ये था कि बेचारा एक बच्चा क्या हुआ, पढ़ने के लिए जाता है पटना, मान लीजिए पटना जाता है, या आपके दिल्ली जाता है, या आपके प्रयागराज जाता है, कहीं भी जाता है। अब पढ़ने के लिए बेचारा गया, पढ़ के आया, 11th 12th करके आ गया, रिजल्ट का पता नहीं कब आएगा। तब तक क्या हुआ, गांव में, आप लोग भी जानते हैं, गांव से अगर होंगे मेरे जैसे तो आप लोगों को भी पता होगा कि गांव का जो बंदा होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता ही। अब कहने का मतलब क्या है कि गांव के लोग में क्या हुआ, ये देखने को मिला कि भाई आपस में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे कौन थी भाई साहब, झिंगी वो चाची थी, और यहाँ पे क्या थे, झिंगा चाचा थे। तो झिंगी और झिंगा में दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अभी दोनों बेचारे क्या थे, अनपढ़। गांव में सब लोग क्या थे भाई साहब, उतना पढ़े लिखे नहीं थे। अब क्या होगा, मामला को सुलटाना है तो दरोगा जी आएंगे। कौन आएगा भाई, दरोगा जी आएंगे। ठीक है भाई, दरोगा जी आ गए। तब गांव में पूछा गया कि भाई पता करो कि इस गांव में जो है कौन सा ऐसा बच्चा है जो भाई पढ़ा लिखा है। तो पता चला कि फलवा जो है ना, उनका बेटवा अभी ये पटना या दिल्ली से पढ़ के आया है, और खूब बेजोर इंग्लिश बोलता है। भाई साहब, माय नेम इज समथिंग, माय फलावा इज चिलावा, माय दिस इज दैट, माय व्हाट इज वेयर है। तो इस तरीके से वो खतरनाक इंग्लिश मेरे ही जैसा बोलता हो, सही बात है। मामला आगे की तरफ बढ़ा, और मामला इस तरीके से बढ़ा कि उसको बुलाया गया, दरोगा जी बुलाए, बोले कि भाई इतना तेज लड़का लाइए, थोड़ा हम भी तो देखे कि आखिर इसमें क्वालिटी क्या है। तो बोले कि ठीक है। तो दरोगा जी के सामने लाया गया, तो आया बेचारा अपना झाड़ झूठ के सूट बूट लगा के आया, और लगा के सूट बूट आता है तो दरोगा जी से पूछता है, व्हाट इज योर नेम। अरे भाई साहब, दरोगा जी का तो हालत खराब, अब हम ही लोग के सामने कोई इंग्लिश बोले तो हम लोग का तो हालत भी कर जाएगा, पसीना छूटने लगे, व्हाट इज योर नेम। अब तो भाई दरोगा जी बोले, माय नेम इज, जैसे मान लीजिए कि माय नेम इज, इसी में से गुरु ज्ञान जी हो गए, बोल दिया। फिर भाई साहब उसने बोला कि व्हाट इज योर नेम। तो लगा दरोगा जी को कि लगता है कि इस बचवा को पढ़ते पढ़ते इसका कनवा ना गायब हो गया, यानी गायब इन द सेंस सुनाई उनाई नहीं दे रहा। तो दरोगा जी फिर से बताया कि माय नेम इज गुरु ज्ञान कुमार, बोला कि अच्छा ठीक है। फिर तीसरे बार बोलता है, व्हाट इज योर नेम। अब तो भाई साहब दरोगा जी का पारा गर्म हो गया, अब समझ ही रहे हैं भाई साहब गर्मी के दिन में पारा गर्म होगा। अब दरोगा जी का क्या किया, दिया एक थप्पड़ खींच के उसके गाल पे, उसका गाल एकदम हो गया लाल। क्या हो गया, गाल एकदम हो गया लाल। अब पूरा गांव, पूरा पब्लिक है, समझ ही रहे हैं भाई साहब, पूरा लोग देख रहे हैं कि बाप रे बाप, इसका तो खूबे हालत है जी, कि तो शहर में पढ़ता है ये, वो पूरा पर क्या है। तब जब पूरा दरोगा जी वह मार के चला गया, बोला बाप रे, तो महामूर्ख लड़का है, एक एक चीजें सीख के इसका गुरु लग रहा है, एक ही चीज सिखा है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब भाई साहब बोला कि तो गांव दरोगा जी चले गए। अब भाई साहब गांव वालों ने पूछा कि तुमको दरोगा जी ने मारा क्यों भाई, तुम तो इतने टैलेंटेड थे पढ़ने में, तुम्हारा इतना हालत है। तो उसने बोला कि अरे यार, आप लोग मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे, दरोगा जी ने ये बोला कि बचवा तुम इतना पढ़ लिख के इस गांव में इन अनपढ़ लोगों के बीच में क्या कर रहे हो। अब देखिए भाई साहब, वहां पे भी पागल बना दिया उन लोगों को। तो ये होता है भाई साहब स्मार्ट टेक्निक, समझ रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, अधजल गगड़ी छलकत जाए, जितना जानिए उतना ही बकिए, ज्यादा बकिएगा फंस जाइएगा, है कि नहीं। तो भाई मैं भी अब थोड़ा सा आराम आराम से चीजों को बोलता हूँ कि कहीं मामला पेनाल्टी में ना चला जाए, समझ रहे हो। तो पेनाल्टी नहीं मारना है प्रति उत्सर के लैंग्वेज में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए।
सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग आपके गठित किया। ये 1902 के बारे में बात करते हैं और विश्वविद्यालय जो अधिनियम है ये आपके पारित कब हो गया, आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। 1904 के बारे में बात करें और इसी 1902 में अगर बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात करते हैं, इनका क्या हुआ था जन्म। आपको एक बात बताऊं, जब पहली बार आपके क्या हुआ मंत्रिमंडल का गठन हुआ ना, स्वतंत्र भारत में जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस समय का देखिए संजोग कैसा था कि विपक्ष के नेताओं को भी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया भाई साहब, आमंत्रित किया कि आप भी आइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, क्या होगा आप जनसंघ के नेता हैं तो आप भी मंत्रिमंडल में शामिल होइए, आपको भी कोई मंत्री पद दिया जाए, ठीक बात है। फिर अब बोला गया कि अच्छा जी है जयप्रकाश जी बाबू, आप भी तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, आप क्यों नहीं आना चाह रहे, आप भी आइए कोई दिक्कत नहीं, आपका भी वेलकम है। जयप्रकाश बाबू ने बोला कि ना 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 ना, हमको ऐसे ही रहना दिया, हम तो संपूर्ण क्रांति करेंगे, समझ में आ रहा है, हम तो भाई साहब हिलाएंगे जिला। यानी कहने का मतलब क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी को भी आमंत्रित किया गया था जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुआ 1952 के आसपास में, उसके बाद की बात में बता रहा हूं। तो ये बातें आपको समझनी हो और बातों में क्या समझना है कि इस कर्जन के द्वारा दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और ये पारित कब हुआ इसके अधिनियम की बात करें 1904 बता ही दिया। तो बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी गया, गोपाल कृष्ण गोखले राज बिहारी बोस गया, सैयद हुसैन बिलग्रामी सुरेंद्र बनर्जी गया, आ गया सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी इज द राइट आंसर। और ये बहुत ही बेजोर सा प्रश्न अपने आप में है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिलग्रामी थे और आपकी गुरदास बनर्जी। लेकिन बात करते हैं 1874 के बारे में, बात करते हैं सिविल सर्विसेज को निकालने का काम सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, एस एन बनर्जी ने भी किया था, लेकिन एस एन बनर्जी को 1874 में इनके पद से हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो तैयार बैठे हैं सुरेंद्र जी, बोले अरे चेला तुम ऐसे करेगा 1876 में लो ना तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं क्या, इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं जिसको कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्थान के तौर पे देखा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और एस एन बनर्जी ने अंग्रेजों के खिलाफ त्याग बोला हल्ला बोल दिया, इसको याद आप लोग रखिएगा इसको। और इनको बंगाल का आप गांधी भी कह सकते हैं भाई साहब, क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आप सभी लोगों को ये बात पता होगा अच्छे तरीके से, आप लोग इसको जानते होंगे। तो चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लिए चलता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को करनी है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अतः जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे, हरदयाल थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और उपयुक्त सभी। तो जिम्मरमैन योजना के बारे में बात करें, इस शब्दावली को कभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी तत्काल में याद रखिएगा कि इस योजना से संबंधित कौन थे, तो लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई साहब हम चलते चलते ये भी बता दीजिए, हिंदी पेट्रियॉट का संपादक कौन था, तो हरीश चंद्र मुखर्जी जी थे, ये आप सभी के सभी साथियों को इस प्रश्न के बारे में पता होगा। चलिए ये बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, आज हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ेंगे लेकिन मुझे लगता है कि आपको मैंने आज बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातों को बताया, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, इसको बेहतर तरीके से नोट कीजिएगा, मेहनत करना चालू कीजिए, क्योंकि अब होली वोली सब बीत गया, आपका जितना बंक टंक मारना था आपने मार लिया, अब हिंदी की क्लास भी प्रॉपर चलेगी, कम रहेगा ड्यूरेशन लेकिन बेहतरीन क्लास होगी। करंट अफेयर्स में हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, बिहार स्पेशल में कर ही रहे हैं, बस अब आप लोग भी थोड़ा सा लग जाइए, डेली प्रैक्टिस करिएगा, कुछ ना कुछ सीखिएगा और आने वाले दिनों में आपका ही रिजल्ट होगा, इस बात की पूरी गारंटी है और इसका एश्योरेंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास कैसी लगी आप सभी लोग जरूर बताइएगा और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से होली खेला होगा। आज भी किसी के यहाँ होली है क्या भाई, आज भी किसी के यहाँ होली होली मन रहा है क्या, बताइएगा आप लोग जरूर, मन रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग आज भी मजा लीजिए और कल से आप लोग पढ़िए बेहतर तरीके से। जी स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो चले फिर, चलिए मैं चलता हूँ आप लोगों से अलविदा लेते हुए आज के इस क्लास के लिए, फिर मैं कल मिलूंगा सुबह में आप सभी साथियों के करंट अफेयर्स की क्लास में, बहुत ही शानदार से आपकी क्लास होगी, उसमें आप लोग आना, आप लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।
कुछ